अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब। आज का व्लॉग हो गया है मेरा शुरू, और आप लोग बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। आज आप देखिएगा, मैं ग्रॉसरी करने गई और अली को लेने गई स्कूल। उसके अलावा जी मैंने ओरियो डिलाइट बनाया, मैंने आरिस का खाना भी बनाया सुबह उठकर, और अब मैं हो गई हूँ थक, अब मैं गई हूँ थक। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं बच्चों को भी लेकर आऊं और इनको भी लेकर आऊं, मानी को भी लेकर आऊं, लेकिन मानी खुशी से नहीं आना चाहते। और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूं तो इनका एक ही शोर होता है, बंद कर। लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता इनको आदत पड़ जाएगी और ये भी आ जाएंगे कभी ना कभी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसा लग रहे हैं, या मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रमज़ान बताइएगा, आपका रोज़ा कैसा गुजर रहा है, रमज़ान में आप लोगों की क्या रूटीन है और क्या करते हैं, ठीक है, सहरी में क्या खाते हैं, अफ्तारी में क्या खाते हैं, ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स में, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, फिर आप व्लॉग देखें आप लोग मेरा, और मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। 11 बज गए और घर में कुछ चीज़ें ख़त्म थी ग्रॉसरी की, तो मैंने सोचा कि चलें इसी से मार्ट पर चले जाते हैं और जाकर ले लेते हैं जो चीज़ चाहिए थी, क्योंकि वापस आकर फिर मैंने आरिस का खाना बनाना था। और जो चीज़ें चाहिए थी हमने कहा चलें इसी सेव मार्ट पर चले जाते हैं और जाकर यहाँ से ले लेते हैं। खैर चीज़ें नीचे से मैंने ले ली जो चीज़ चाहिए थी। उसके बाद मैं क्रॉकरी वाली साइड पर चली गई, ऊपर जाकर लेना हो ना लेना हो, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो क्रॉकरी वाली साइड पर मैं ज़रूर जाती हूँ, जाकर बर्तन ज़रूर देखती हूँ। एक शौक़ होता है ना औरत को कि जी ये भी हो उसके पास, वो भी हो, और देखती ज़रूर हूँ चाहे घर में जगह हो ना हो मेरे घर में। चलिए जी, इंशाल्लाह जब मैं अपना घर लूँगी अपनी पसंद का हर बर्तन लूँगी और इंशाल्लाह। और उसके बाद जी ये सारी चीज़ें देखकर जी मैं चली गई ये स्टील वाली साइड पर। ये भी बर्तन भी मुझे अच्छे लगते हैं, और ये जग देखें बड़ा खूबसूरत लगता है, इसमें पड़ा हुआ ना शरबत हो और साथ वही ग्लास हो तो अच्छा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर बन रहा आरिस का खाना, ये मैं मिक्स करके बनाती हूँ, आलू चावल चिकन ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आरिस के लिए बनती हैं। दूसरा खाना भी उसका मैंने बना दिया था सीरियल, और यहाँ पर मैंने चने भी भिगो दिए, चने आज भिगो के रख दिए हैं, फिर से बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि इस वक्त चना चाट बनानी होगी तब खा लेंगे। वेदर चेक करें, वेदर कितना प्यारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है वेदर, गर्मी भी है लेकिन चलिए थोड़ा धूप नहीं है। अली को लेने जा रही हूँ स्कूल, सुकून से हर इंसान ना जल्दी में भागम भाग है। आरिस तो छुट्टी हो गई थी, आरिस जल्दी आ गया था और अब हम जा रहे हैं अली को लेने के लिए। अच्छा ये ले लिया मैंने कंडेंस मिल्क और फ्रूट कॉकटेल, मैरी बिस्किट, ओरियो क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, और ओरियो को हम कर देंगे इसमें डाल कर ब्लेंड। इसको मैं करके साइड पर रख देती हूँ। अच्छा एक मैं ना व्हिपिंग क्रीम भी डालती हूँ, दो डाल देती हूँ जो
डेरी क्रीम होती है और एक व्हिपिंग क्रीम भी डालती हूँ। ये भी आप देख लें, क्रीम को ना हमेशा ठंडा करके फिर डालें आप। हम डालेंगे इसमें जी ये भी, चेक करें, कंडेंस मिल्क मुझे डालना याद नहीं रहा था, ये मैं अभी डाल रही हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से ये 3-4 चम्मच डाल दें आप। ठीक है, भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। मैरी बिस्किट हैं, इनको मैं हाथों से चूरा कर लूँगी। ठीक है, इनको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, इनको हाथों से चूरा करके ना हम बीच में डाल देंगे। उसके साथ ये मैं फ्रूट कॉकटेल भी डालूँगी और ये बिस्किट भी डाल दूँगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके अंदर हम फ्रूट कॉकटेल भी डाल देंगे सारा। ठीक है, पानी इसमें से मैंने निकाल दिया है और ये हम डाल देंगे सारे इसमें। अच्छा, मैं पहले बताती हूँ आपको कैमरा ऑन है। अच्छा जी, ठीक है, अभी देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले मैं डाल दूँगी ये जो मैंने इसका चूरा बनाया था, इसको हम कर देंगे यहाँ पर सेट। हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम कर देंगे इसको। वैसे देखती हूँ थोड़े से, मैं अच्छा इसी तरह डाल दूँगी। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं डालूँगी, और सोचती हूँ थोड़ा सा मैं कंडेंस मिल्क और डाल दूँ, जैसे लगता है मीठा कम ना हो। ठीक है, इसके ऊपर अब देखें मैं ये डाल लूँ क्रीम। मैं हेल्प करने वाले को नहीं ना, बच्चों की मिन्नतें करूँ कि आओ मेरे साथ वीडियो बनाओ, वो तो आएंगे नहीं, और मानी ने तो आना नहीं है मेरे साथ वीडियो बनाने। हालांकि मैंने सोचा था ये बाकी काम ना मैं बाहर बैठ कर करूँगी, मानी साहब बाहर ही हैं। अच्छा, ये जो चूरा मैंने किया हुआ है मैं ये भी डाल दूँगी। ठीक है, एक टाइम मैं इसकी लगा दूंगी, और अगर तो अखरोट हैं आपके पास तो अखरोट भी डालें, नट्स जो भी हैं आपके पास। अब जी मेरे पास ना, जी बेटा जी फरमाओ। हाँ जी, अच्छा ये मैंने डाल दिए इसके अंदर, अखरोट हैं लेकिन वो छिले हुए नहीं हैं। अब ये हैं काजू वगैरह पड़े हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं यही डाल दूँगी। आपके पास जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो ही डाल दें। ये काजू हैं और वो ना भूल गई जी बेटा, और दूसरी चीज़ का पढ़ लो, कितनी चीज़ों का काम मिला, क्या मतलब हो गया, काम हो गया सारा जो अली से लो टेस्ट। अच्छा, ये कॉकटेल भी सारा डाल दे रहे हैं। ठीक है, आपने उससे क्या मैं डालूँ, जैसे करके आपने सारा डाल देना है। पानी मैंने निकाल दिया था, इसे बड़ा अच्छा टेस्ट। अच्छा, इसको अक्सर मैं पता क्या करती हूँ, अक्सर ना जब बालाई को क्रीम को जब मैं बीट करती हूँ ना, बीटर के साथ ही ग्राइंडर में अगर मैं बीट करूँ
तो इसको ग्राइंडर में डाल देती हूँ। ग्राइंडर में डाल कर ना, और अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद फिर से हम इसके ऊपर बालाई डाल देंगे, ये वाली और सारी डाल देते हैं। मैंने सोचा था जो बच गई थी, बच गई है, उसमें मैं कोको पाउडर डालकर थोड़ा वो डाल दूंगी ऊपर, लेकिन चलें ठीक है, कोई नहीं। होता ही है ना कि अक्सर जब वीडियो बना रहे हो ना, तो अक्सर चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। जो हम नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ये भी कर लें वो भी कर लें, जब वीडियो बना रहे होते हैं ना, अक्सर मिस हो जाते हैं। फिर कहता है बंदा चलो जी ठीक है, जैसे चल रहा है बस वैसे ही कर लो। तो अच्छे से आप निकाल, अच्छे से इसको साफ कर लें आप, ठीक है। जी फिर इसके बाद ही हम फिर एंड पर ना, ये मैं हाथ से करके इसको मैं हाथ से करती हूँ चूरा, और मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा जब ये बन जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें इसको मैं हाथ से करूँगी चूरा ऐसे, वो ऊपर हम डाल देंगे। ये हमारा बन गया जी ओरियो डिलाइट, और तो कुछ नहीं डालना था, बनाना भी अगर डालती तो ठीक रहता, याद नहीं रहा मुझे, कोई नहीं है आज ऐसे ही ठीक है। ये देखेंगे ये, अब जी इसको हम रैप कर देंगे पूरा, कवर कर देंगे, ठीक है। रैप करके इसको हम रख देंगे अफ्तार तक, तो रहने लिए फ्रीजर में रख देंगे अफ्तार तक के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया जी रेडी, हमारा ओरियो डिलाइट मस्त मस्त सा, अभी बनाइए और इंजॉय कीजिए, यम यम लीशियस।